हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर से कांग्रेस के मेवाराम जैन ने हजारों समर्थकों के साथ भरा नामांकन। राजस्थान विधानसभा का रण शुरू हो चुका है। भाजपा व कांग्रेस दोनों प्रमुख पार्टियों ने बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की सातों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बाड़मेर विधानसभा के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जैन ने आज शुक्रवार को उपखंड कार्यालय बाड़मेर में SDM नीरज मिश्रा के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि मेवाराम जैन लगातार दो बार बाड़मेर के विधायक रहे हैं। तीसरी बार भी कांग्रेस आलाकमान ने उन पर भरोसा किया और उन्होंने आज अपने कार्यालय में हजारों समर्थक जुटाकर रैली निकाली और समर्थकों के साथ उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के दौरान मेवाराम जैन ने कहा कि तीसरी बार पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया है। मैं बाड़मेर के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में जितनी भी योजनाएं थी बंद हो गई, और चाहे पानी की योजना करो, रिफाइनरी की बात करो, शिक्षा की, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरह से विकास ठप पड़ा है, चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चिकित्सा की बात करें, तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि इन सभी योजनाओं को आम आदमी तक, किसान बेरोजगार हैं उनके लिए, चाहे हर क्षेत्र में SC ST OBC माइनॉरिटी सबके, जो आज की तारीख में सरकारी कर्मचारी तक सब दुखी है, तो हमारा यही रहेगा कि किस तरह से राजस्थान का विकास हो, बाड़मेर का विकास हो, उसमें हम मिलकर बाड़मेर के विकास में पूरा प्रयास करेंगे। बाड़मेर से जागरूक TV की रिपोर्ट।